हेलो गाइस, वेलकम बैक। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय नहीं यार हाय गाइस वेलकम नहीं हाय गाइस वेलकम बैक बे यार सो हाय गाइस व्हाट्स अप, इट्स मी आरिफ शेख एंड वेलकम बैक टू द YouTube चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे क्योंकि मैं काफी टाइम बाद ब्लॉग कर रहा हूँ, काफी टाइम बाद कैमरा के सामने आया हूँ ये वाले स्क्रीन में, क्योंकि ये वाले स्क्रीन में तो मैं रील्स पे एक्टिव रहता ही हूँ। और थैंक यू फॉर 20K बाय द वे ऑन इंस्टाग्राम। अगर अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ पे कहीं पे भी अकाउंट आ जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड टू दिस व्लॉग, आज का जो व्लॉग है बेस्ड है डांस पे, क्योंकि हम जा रहे हैं डांस वर्कशॉप। वर्कशॉप जो है वो है शेजान खान का, द मोस्ट ट्रेंडिंग गाय, द लॉन्ग दरशकारा वाला गाय। तो उनके इवेंट का मुझे पासेस आया है, आई थॉट जाके आता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे डांस नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता, डांस का डी भी नहीं आता, बट स्टिल कुछ आ रहा है सामने से तो उसको जाने तो नहीं दे सकते ना, तो आई थॉट जाके आता हूँ एंड देखते हैं क्या होता है कैसा नहीं होता है। बेसिकली इट इज अ डांस वर्कशॉप, तो वहां जाके बट ऑब्वियसली डांस तो करना ही पड़ेगा। तो मैं काफी टाइम से वो स्टेप सीख रहा था एंड थोड़ा बहुत मुझे आ गया है एंड अभी थोड़ा सा मैं रिहर्स करके निकलूंगा वहां जाने के लिए। तो अभी हम अपना आउटफिट चेंज कर लेते हैं और आउटफिट आज का है कुर्ता, क्योंकि वो सॉन्ग मोस्टली कुर्ते में ही लोग सब कर रहे हैं, या कुर्ता हम पे सूट भी होता है तो कुर्ता पहनेंगे, तो पहन लेते जाके। सो वी गॉट दिस कुर्ता, ये जो अभी न्यू पैटर्न चल रहा है चिकन वाला, ये वाला एक ही कुर्ता है मेरे पास, सो आई थॉट ये मैं पहन लेता हूँ एंड इसके नीचे हम वो पहनेंगे, क्या होता है वो, घाघरा चोली। कोनो घाघरा चोली, अरे जो फूला फूला नहीं रहता पैर से, आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं, हम वो पहनेंगे, वो सूट करेगा डांस वीडियो में तो वो पहनेंगे। अभी मैं वो पहनते हुए आपको बताऊंगा तो आपको समझ जाएगा कि मैं किसके बात कर रहा हूँ। तो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ये कुर्ता तो मैंने बता दिया और ये है क्या बोलते हैं इसको, घाघरा में चोली। ये जो ऐसा फूला फूला रहता है गाइस, ये सूट होता है, तो ये और ये ग्रे कुर्ता पहनने वाले हैं। सो अभी जल्दी से रेडी हो जाते हैं एंड फिर निकलते हैं। सो ऑलराइट गाइस, तो वहाँ जाने से पहले आई थॉट कुछ खा लेते हैं, सो वी आर इन द मॉल एंड दिस क्यूटी इज विथ मी। कुछ तो बना रहे हैं ये, कुछ नया फ्राई हो रहा है, पेरी पेरी फ्राइज। इनके लिए नया नहीं है, मेरे लिए नया है। अभी मैं कैमरा फ्लिप करता हूँ, आप देखो इनका जो न्यू रेसिपी अभी बन रहा है। कहाँ सीखा आपने ये? इससे भी इसके लिए हमको एक्स्ट्रा पे करना पड़ा, मैं घर से मिर्ची लेके आता था ना फिर। नहीं, वी आर डन ईटिंग द फूड एंड अभी जो मेरी फ्रेंड है ये मुझे अंदर ही ड्रॉप करेगी, क्योंकि मुझे वहाँ पे जाने का रास्ता वगैरह पता नहीं है, फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, तो वहाँ जाते हैं एंड लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। तो या लेट्स गो। फुल एयरपोर्ट फील गाइस। काफी ठंडा ठंडा लग रहा है। सो
सो आफ्टर दिस मेरी फ्रेंड जो है वो अपने स्टॉप पे उतर गई, क्योंकि मुझे जहाँ जाना था उससे थोड़ा पहले उनका घर आ गया था और उन्होंने मुझे गाइड कर दिया कहाँ जाना है कहाँ नहीं. सो अ बिग थैंक्स टू रितिका, थैंक यू सो मच. सो आफ्टर दैट आई वेंट टू सुकून मुंबई, जहाँ पे शहजान का डांस वर्कशॉप आज होने वाला था. एंड मुझे पहुँचते पहुँचते थोड़ा लेट हो गया, तो काफ़ी अंधेरा हो गया था, लेकिन मुझसे जितना हुआ मैंने उतना रिकॉर्ड किया. एंड इट्स लुकिंग सो ब्यूटिफुल, सो लेट्स गेट इन साइट. डन विथ द डांस वर्कशॉप एंड अभी मेट्रो की टिकट लेके हम जा रहे हैं घर. सो काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी क्रेजी था. डांस वीडियो पर्सनली कुछ शूट करने नहीं मिला क्योंकि बहुत सारे लोग थे, और अगर वो सबके साथ एक एक करके डांस करने लगेगा तो फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा. सो या दैट्स इट फ्रॉम टुडेज व्लॉग. आई होप यू गाइस एंजॉयड इट. अगर एंजॉय किया तो लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब कर देना एंड इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कर दो फॉर मोर अपडेट्स. ओके सो आई एम बैक होम एंड ये वीडियो मैं स्पेशली इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को थैंक यू बोल पाओ जो प्यार आप लोगों ने दिखाया है. इंस्टाग्राम पे तो है ही, यूट्यूब पे भी आप सब्सक्राइब कर रहे हो आके, इट रियली मीन्स अलॉट टू मी.
एंड आज मैं जब मॉल गया था, मॉल में भी मुझे कुछ फॉलोअर्स मिले थे, कुछ क्यूटीज मिले थे. मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया जब मैं अभी घर पे आया तब. सो या इट फील्स गुड जब आपको लोग पहचानते हैं आपके काम से. तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव. एंड वहाँ पे वर्कशॉप में भी लोग मुझे पहचान रहे थे. कोई राजवी के थ्रू पहचान रहा था कि आप वीडियोस बनाते हो राजवी के लिए, एंड कोई मेरे अपने ट्रांजिशन वीडियोस के लिए मुझे बोल रहा था कि या यू मेक गुड वीडियोस. तो ये सब सुन के अच्छा लगता है. एंड ये साल जिस तरीके से मेरे लिए स्टार्ट हुआ था, दैट वॉज वर्स्ट. शोल्डर टूट गया था, नोस टूट गया था, बहुत कुछ हुआ था एकदम से. मैं पूरा खत्म हो गया था. जो आरिफ अभी तुम देख रहे हो वो पूरा खत्म हो गया था, बट स्टिल सम हाउ मैंने बाउंस बैक किया, मैंने गिव अप नहीं किया. एंड आप लोगों की वजह से मैं फिर से आया हूँ. जो भी मुझे मिल रहा है मेरी मेहनत है और आप लोगों का सपोर्ट. सो आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक यू ऑल. अभी तो कीप सपोर्टिंग, एंड व्लॉग अच्छा लगा तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ. थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव. सो सी यू एट द नेक्स्ट व्लॉग.